Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all my dear friends and English literature aspirants. This is your host Samia Omar and you're watching MA English Part 1 and 2 Notes. Before watching this video, hit the subscribe button and also press the bell icon for notifications. Today I'm going to share a very beautiful poem's critical appreciation, Full Moon and Little Frida, written by Ted Hughes. This is a very short and beautiful poem. And I'm going to share my handwritten notes with you. So let's start. Full Moon and Little Frida by Ted Hughes, critical appreciation. Edward James Ted Hughes, 1930 to 1998, was undoubtedly one of the major British poets of the 20th century and probably the most influential English poet of the post-World War II era. Ted Hughes, major British poets mein se ek tha, jiska taluk 20th sadi se tha, bahut influential tha. After World War II, he earned great fame as a translator and children's writer. Isko bahut mashhoori hasil hui thi tarjumanegar ke taur par aur ye bachchon ki kahaniyan likhta tha. Hughes was British Poet Laureate from 1984 until his death. British Poet Laureate ka khitab isko mila tha 1984 mein aur wo uski death tak uske saath raha tha. Full Moon and Little Frida is a beautiful little poem from Ted Hughes collection called Woodwo. जी Full Moon और Little Frida ये एक बहुत छोटी सी खूबसूरत सी poem है जो कि Ted Hughes की collection Woodwo में से है which was published in 1967 में ये publish की गई. It throws light on the relationship between man and nature, the effect of nature on man and the effect of man on nature. कि क्या रिश्ता है इंसान का कुदरत के साथ और उसका क्या असर होता है इंसान पे, इसी तरह इंसान का नेचर पे क्या असर है. द एटीट्यूड ऑफ द पोएट इज़ रोमांटिक एंड एस्थेटिक. द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट दैट द रिलेशन ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन एंड हेवनली बॉडीज ऑफ नेचर. कि क्या रिश्ता होता है मासूम बच्चों का हेवनली बॉडीज़ के साथ, यानी जो प्लैनेट्स हैं स्टार्स हैं उनके साथ क्या रिश्ता है. द पोएम इज़ अबाउट इवनिंग टाइम. ये नज़म जो है ये शाम के वक्त के बारे में लिखी गई है. द पोएम बिगिंस विद अ वेरी कंसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ अ कोल्ड स्मॉल इवनिंग. पोएम शुरू होती है एक बहुत छोटी सी डिस्क्रिप्शन के साथ कि एक ठंडी छोटी शाम है एंड अ डॉग बार्क और एक डॉग के भौंकने की आवाज़ आ रही है एंड क्लैंक ऑफ बकेट. बकेट जो है उसकी भी वो जो एक उसके छनकने की आवाज़ होती है वो आ रही है. द पोएम डिपेक्ट्स द पिक्चर ऑफ विंटर इवनिंग. ये नज़म जो है ये डिस्क्राइब कर रही है उस तमाम नज़ारे को जो कि सर्दियों की शाम का नज़ारा होता है इन यॉर्कशायर इन इंग्लैंड. इंग्लैंड की शाम का नज़ारा. वेयर नून टाइम जंप्स इनटू द नाइट. जहाँ पे दोपहर के बाद अचानक ही रात हो जाती है. देर इज़ नो इवनिंग टाइम इन प्रैक्टिकल सेंस. वहाँ पे शाम होती नहीं है, बहुत एक शॉर्ट स्पैन होता है जिसको हम शाम कह सकते हैं. द पोएट हैज़ कंप्रेस्ड द होल इवनिंग इनटू वन लॉन्ग लाइन. शायर ने पूरी शाम को एक लंबी लाइन में कंप्रेस कर दिया है. द इवनिंग इज़ कूल एंड स्मॉल. शायर कहता है कि ये शाम ठंडी थी और छोटी थी. इन यॉर्कशायर नून टाइम हैसन्स टू मीट नाइट. दैट इज़ वाई वेरी सून द डार्कनेस प्रिवेल्स एवरीवेयर. यॉर्कशायर में दोपहर बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है जैसे कि मैं अभी आपको पहले बता चुकी हूँ और एकदम रात हो जाती है और हर जगह अंधेरा हो जाता है. अ कूल स्मॉल इवनिंग श्रंक टू अ डॉग बार्क एंड द क्लैंक ऑफ बकेट. दीज आर एक्चुअल कोट्स और आप इनको नोट डाउन कर लीजिए, ये ज़रूर ऐड कीजिएगा आप अपने पेपर में. बिसाइड्स द पॉइंट अ लिटिल चाइल्ड फरीदा ऑब्जर्व्स द इवनिंग सीन विद ऑल इट्स काम एंड ट्वाइलाइट. शायर के अलावा एक छोटी बच्ची है जिसका नाम फरीदा है और वो ऑब्ज़र्व करी है शाम के नज़ारे को जिसमें खामोशी भी है और इसमें ट्वाइलाइट का सीन दिखाया गया है, यानी जो शाम का सीन होता है. द साइलेंस इज़ डिस्टर्ब्ड बाय अ डॉग बार्क एंड बाय द क्लैंक ऑफ बकेट. खामोशी टूट जाती है डॉग बार्क से और बकेट की क्लैंक से. एंड अ हर्ड ऑफ काउज गोइंग होम इन अ लेन कीपिंग केयर ऑफ द मिल्क इन देयर बॉडीज़. और काउज की एक ग्रोह कह सकते हैं, ग्रुप कह सकते हैं, वो घर की तरफ जा रहा है लेन की सूरत में
The clank of buckets refers to milking hour. As sometime later in the poem, we come across the thumping noise made by the cows by their heavy bodies. Cows apni heavy bodies ko leke move kari hain sham ke time aur ye milking hour hai. While coming down from the hill aur wo hill se niche utari hain, the cows are going home in the lane there and looping the hedges with their warm breaths of breath. और उनको सांस चढ़ा हुआ है और वो नीचे की तरफ उतर रही हैं, अपने घर की जानिब जा रही हैं. द स्लो मूविंग ऑफ काउस लुक लाइक अ डार्क रिवर ऑफ ब्लड. काउस को उन्होंने रिप्रेजेंट किया है एक डार्क रिवर ऑफ ब्लड से. एंड लाइक बोल्डर्स, जी यहाँ पे अब सिमिली का इस्तेमाल हुआ है. द पोइट सेज दैट देयर स्लो स्पीड हेल्प्स द काउस टू कंट्रोल देयर balance so that they may carry milk without spilling it. The noise of the buckets seems to be like the song of course. वो जो आवाज़ें आ रही हैं buckets की, वो ऐसा लग रहा है जैसे course के song की आवाज़ हो. The water mirror is catching the reflection of glowing star. पानी में stars की reflection नज़र आ रही है जो चमक रहे हैं आसमान पे. The child, little Freda, is the focus of the evening scene. Wonder the calm and serene impression of the evening is observing the almost unearthly sight. छोटी बच्ची है फ्रीडा, वो फोकस है इवनिंग का, जो कि इस सीरीन और काम इम्प्रेशन में इवनिंग को ऑब्जर्व करी है. शी इज़ हैविंग अ डीप ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑल द थिंग्स और ये उसको बहुत मैजिकल लग रहा है सब. शी अट्रैक्टेड ऑल ऑफ अ सडन बाय द ग्लो ऑफ द फुल मून. वो अचानक उसकी नज़र फुल मून पे पड़ती है और उसकी चमक पे. एक्सप्रेसेस हर जॉय, वो अपने खुशी का इजहार करती है. वंडर एंड ऑ बाय अटरिंग थ्राइस द वर्ड मून. और वो अपनी खुशी का इजहार इस तरह करती है कि वो तीन बार मून कहती है. शी क्राइज इन एक्साइटमेंट, मून. यू क्राइज सडनली, मून मून. द ब्यूटिफुल एंड रोमांटिक साइट ऑफ इवनिंग हैज़ अ मैजिकल इफेक्ट ऑन लिटिल फ्रीडा. कॉन्सिक्वेंटली द रिएक्शन ऑफ द चाइल्ड इज़ वॉलेंटरी एंड स्पॉन्टेनियस. जैसे ही वो चांद की खूबसूरती को देखती है तो उसका रिएक्शन जो है वो बहुत अचानक होता है और अनकॉन्शियसली उसके मुंह से तीन बार मौन निकलता है. द चाइल्ड्स जॉय एंड हर रिएक्शन सजेस्ट द पैगन रिएक्शन ऑफ एन एशियंट मैन टू मौन गॉड. बच्चे की खुशी यहाँ पे दिखाई जा रही है और उसका रिएक्शन सजेस्ट करता है कि जिस तरह से पुराने ज़माने में पैगन रिएक्शन होता था एशियंट मैन का मौन गॉड की तरफ. द पोएम शोज अ स्किलफुल यूज ऑफ एंथ्रोपोमोर्फिज्म बाय ह्यूग्स व्हेन द मून अडॉप्ट्स एन आर्टिस्ट हैबिट. एंथ्रोपोमोर्फिज्म का मतलब है मैन लाइक, या कह सकते हैं कि आप किसी ऑब्जेक्ट को या एनिमल को ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दे दें तो उस चीज़ को एंथ्रोपोमोर्फिज्म कहते हैं, जो ह्यूग्स ने इस्तेमाल किया है इस पोएम में. जब चांद जो है वो एक आर्टिस्ट की हैबिट अडॉप्ट कर लेता है. द पोएट सेज दैट द मून इटसेल्फ इज़ अमेज्ड एट द ब्यूटी एंड ऑ ऑफ द सीन ऑफ नेचर. कि चांद भी हैरान है इस शाम की खूबसूरती को लेके और कुदरत के इस नज़ारे को देख रहा है और हैरान है. एंड एट द वंडर ऑफ इट्स ओन क्रिएटिव वर्क, और वो अपने ही क्रिएटिव वर्क पे हैरानी का इजहार कर रहा है. द मून लाइक एन आर्टिस्ट, मून को एक आर्टिस्ट से तशबीह दी है. दिस इज़ एंथ्रोपोमोर्फिज्म. Like an artist steps back to have an appreciative look at its work. जिस तरह के एक आर्टिस्ट एक कदम पीछे हट के अपने उस काम को, अपनी जो उसने तख्लीक की होती है उस पर एक अप्रिशिएटिव लुक देता है, एक कह सकते हैं कि तारीफ़ी निगाह से देखता है. एंड ड्राइव प्लेयर एंड सेटिस्फैक्शन, और फिर उसको देख के उसको खुशी महसूस होती है और इत्मीनान हासिल होता है. दिस डिवाइस ऑफ एंथ्रोपोमोर्फिज्म रिमाइंड्स द रीडर द फेरी वर्ल्ड ऑफ चाइल्डहुड विद एनिमल्स, ट्रीज, माउंटेंस एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ नेचर बिहेव लाइक ह्यूमन बींग्स. ये जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ की गई है एंथ्रोपोमोर्फिज्म की, ये रिमाइंड करती है रीडर को वो फेरी वर्ल्ड, जो कि उसने बचपन में उसके बचपन की याद ताज़ा कर देती है, जब एनिमल्स, ट्रीज और माउंटेंस को इंसानों जैसी क्वालिटीज़ दे दी जाती थी. उनमें वो इंसानों की तरह बात करते थे और इंसानों की तरह मूव करते थे. द मून हैज़ स्टेप्ड बैक लाइक एन आर्टिस्ट गेजिंग अमेज्ड एट वर्क. अ डार्क रिवर ऑफ ब्लड,
and boulders is the use of similes. However, these words also seems to be conceits than similes. ये conceits ज़्यादा महसूस हो रही हैं similes से, क्योंकि far-fetched images दिखाए हुए हैं इसमें. The poet has used assonance when he says, moon, you cry suddenly moon. Moon में भी double O आ रहा है और आगे moon में भी double O. The use of alliteration is also beautiful when he says, alliteration का भी इस्तेमाल किया गया है जब वो कहता है a dark river of blood, many boulders balancing. अब इसमें B आप देख रहे हैं आ रहा है words में, blood, boulders और balancing में. The poet has also used auditory imagery such as dog bark, यानी जो आवाज़ के थ्रू उसने इमेजरी पेश की है जिस तरह से डॉग बार्क है और एंड क्लैंक ऑफ बकेट. देर इज़ नो रेगुलर राइम स्कीम इन दिस पोएम बट द यूज़ ऑफ मोनोसिलेबल्स मेक द फ्लो ऑफ द लाइंस फास्ट. मोनोसिलेबल्स का इस्तेमाल किया गया है ताकि लाइंस में फास्टनेस आए. द पोएम अपीयर्स टू हैव अ रूरल सेटिंग. रूरल सेटिंग से मुराद है कि गाँव का सारा सीन दिखाया हुआ है, ठीक है, गाँव की सेटिंग है. One that of Hugh's own native place. और ये महसूस होता है कि Hugh's जो शायर है उसकी वो अपनी native place है, यानी हो सकता है वो उसका अपना ही गाँव हो. Farida and Nicholas were the daughter and son of Ted Hughes. ये बच्चे थे Ted Hughes के, Nicholas and Farida and Sylvia Plath. Hughes might have visited his native place when the whole family were together. Sylvia Plath उसकी बीवी थी और हो सकता है उन्होंने ये जगह विजिट की हो जब पूरी फैमिली इकट्ठे हो. And little Farida accompanied them. और छोटी फरीडा ने उनको accompany किया था. The disc of rising full moon has its own bewitching effect on the quiet evening atmosphere around. वो जो फुल मून की डिस्क राइज करी थी आसमान पे, उसका एक अपना बहुत खूबसूरत इफ़ेक्ट था शाम की खामोशी में. लाइक मैनी पोएम्स इन वुडवू कलेक्शन, इन दिस पोएम मैन इज़ प्लेस्ड अगेंस्ट द एलिमेंटल फोर्सेस, बेनाइन और हार्श. इंसान को एलिमेंटल फोर्स के अगेंस्ट खड़ा किया गया था वुडवू कलेक्शन की और बहुत सी पोएम्स की तरह इस पोएम में भी. We feel while reading it about a mysterious web around things and circling human beings. इंसानों के इर्द गिर्द एक मिस्टीरियस वेब है. मैन इज़ अनएबल टू अंडरस्टैंड ऑल दैट. और इंसान वो सोचने के काबिल नहीं है और समझने के काबिल नहीं है कि उसके इर्द गिर्द क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं विच आर मिस्टीरियस. ही कैन डू नथिंग एक्सेप्ट रिएक्ट इन अ वर्ड और टू जॉय ऑफ वंडर ऑफ ऑल लाइक लिटिल फरीडा. इंसान और कुछ भी नहीं कर सकता इसके अलावा कि वो एक रिएक्शन शो करे वर्ड की सूरत में, चाहे वो हैरानी की सूरत हो या वो खुशी का इजहार करे कुल एक इसी छोटी फरीडा की तरह, जिसने एकदम से हैरानी का इजहार करते हुए शी वॉज सरप्राइज्ड एंड शी अटर्ड द वर्ड मून. द लैंग्वेज ऑफ द पोएम इज़ सिंपल, कोलोकियल एंड कोहेरेंट. इस पोएम की जो लैंग्वेज है बहुत सादा है, कोलोकियल है, यानी उसमें कन्वर्जेशनल स्टाइल है एंड कोहेरेंट है. It correlates with the theme of the poem. जो poem का theme है उससे correlate करती है ये language. It seems like a sonnet but not a conventional one. ये एक sonnet की तरह लगती है लेकिन traditional sonnet नहीं है. Full moon and little Farida is thus one of the most beautiful masterpiece of literature penned by Ted Hughes. बहुत ही खूबसूरत पीस ऑफ लिटरेचर है जो कि टेड ह्यूग्स ने लिखा है. इट इज़ अ शॉर्ट पोएम बट होल्ड्स डीपर मीनिंग. ये छोटी नज़म है लेकिन इसका बहुत गहरा मतलब है. रिगार्डिंग द अल्टीमेट रिलेशन ऑफ मैन एंड नेचर. इंसान और नेचर के दरमियान जो रिश्ता है उसको शो करता है और बहुत खूबसूरती से डिपिक्ट किया गया है, वेरी स्किलफुली बाय टेड ह्यूग्स. Dear students, I hope you have understood the concept behind this poem. If you don't understand anything or if you have any questions or queries regarding this critical appreciation, you're most welcome to comment below. I'll be glad to answer you all. Okay, students, till then, this is your host, Sami Omar, signing off from M English Part 1 and 2 Notes. Don't forget to like my video and also subscribe my channel for more informative and quality notes videos. Also, press the bell icon for notifications. Take care and Allah Hafiz.